देख लीजिए इसमें है स्ट्रेट हाइट विल रीच टू द फुट ऑफ अ टावर. अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री. मैं ये कहता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर है एंगल उतना ही ज्यादा छोटा बनता है. कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा नजदीक है एंगल उतना ही ज्यादा बनता है. ठीक है, तो आपने देख लीजिएगा कि एक स्ट्रेट हाइट विल रीच टू द फुट ऑफ अ टावर मतलब इसमें एक ये स्ट्रेट हाईवे है और यहां पर ये एक टावर है. अरे आपको बात करना है पूछ रहा हूँ अभी बता रहा हूँ. सबसे पहले ये देखिए अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर. ये स्ट्रेट हाईवे है ये इस टावर के फुट तक पहुंचता है. पहली चीज तो ये अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर. यहाँ टॉप ऑफ द टावर यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है. इस पॉइंट को बोल दीजिए ए, इस पॉइंट को बोल दीजिए बी और इसको बोल दीजिए सी. अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री. तो वो जो है यहाँ पर खड़ा होके एक कार को देखता है. समझिए कि कार पॉइंट सी पर है. तो ये यहाँ का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कार को ऑब्जर्व करता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलता है उसको 30 डिग्री. जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. तो अगर ये 30 डिग्री दे रखा है तो इसका मतलब ये वाला भी 30 डिग्री ही होगा. ये समझ गया. फिर वो कहता है व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. तो कार जो है वो धीरे 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 चलते हुए फुट ऑफ द टावर तक आ रही है. ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. स्पीड उसकी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, सेम स्पीड है, कॉन्स्टेंट है. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. 6 seconds later, यहाँ से चलते 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 6 second बाद जो angle of depression है वो find out करता है तो वो हो जाता है 60 degree. तो जो angle of depression होता है वही angle of elevation होता है. तो ये हो गया 60 degree. ठीक है, इस point को बोल दीजिए आप D. C से D तक का यहाँ तक जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 6 seconds. ठीक है, अब हम एक काम करते हैं. टाइम से मतलब नहीं है क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे लगाना है यहाँ पर वही टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा. तो मेरे को दो राइट ट्रायंगल मिल गए. कौन कौन से? एक तो ए बी डी और ए बी सी, दो राइट ट्रायंगल मिल गए. तो मैं टेन थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा. टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना. तो बेस का मतलब क्या है कि मुझे टाइम ही चाहिए, मुझे उसकी लेंथ चाहिए. लेंथ मतलब डिस्टेंस चाहिए. तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे केसेस में पहले डिस्टेंस निकालते हैं. आप देखिएगा कि उन्होंने बोला है अ कार which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. यानी कि उसकी स्पीड को कुछ माना जा सकता है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म है. ठीक है, अब आप देखिएगा कि मैं इसकी स्पीड को मान लेता हूं चलो v. Let the speed of the car be पर सेकंड वेलोसिटी, है ना, v मान लिया आपने इसको. अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि ये c से लेकर और d तक कितना टाइम लगता है. इसको 6 सेकंड लगता है. ठीक है, तो ये टाइम दे रखा है यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक उसकी स्पीड कितनी होगी. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. और स्पीड उसकी कांस्टेंट है अभी, ये हो गया अभी. डिस्टेंस कितना है वो मुझे कैलकुलेट करना है, यानी कि सीडी. और टाइम कितना है, 6 सेकंड. तो ये 6 हो गया. तो सीडी इज इक्वल टू हो गया 6 वी. मेरी बात समझ में आ गई. ये जो लेंथ सीडी है यानी कि जो डिस्टेंस है मेरे पास आ गया 6 वी. उसके बाद देखिएगा फिर हम कहते हैं कि डीवी कितना होगा. तो अब और डीबी, डीबी कैलकुलेट करने के लिए फिर वही चीज है.
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब जो डिस्टेंस है ये डीबी, तो यहां पर जो वेलोसिटी है यानी कि जो स्पीड है वो तो सेम रहेगी, यहां से लेकर यहां तक पूरी वी ही रहेगी वो। तो जो तो डिस्टेंस है डीबी, स्पीड है वी, और टाइम मुझे पता नहीं है, यही वाला टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, समझ गए। और वो ये पूछ रहे थे यहाँ पर लिखा फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से और फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, वो ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से लेकर और यहां तक जो टाइम लग रहा है ना, उसको मैंने टी सेकंड्स मान लिया, बी से बी तक, समझ गए। एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो देखता है टावर के टॉप पर खड़ा हुआ है, वो देखता है कि हाईवे से एक कार आ रही है, उस कार को ऑब्जर्व करता है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 6 सेकंड बाद वो कार एक पॉइंट पर पहुंचती है, वहां से एंगल दिखाई देता है, वो हो जाता है 60 डिग्री। वो बोल रहे हैं इस पॉइंट से और फुट ऑफ द टावर तक कार को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, उसको मैंने मान लिया 30 सेकंड, ठीक है। तो ये जो सीडी है, ये सीडी आ गया मेरे पास 6 वी, और जो डीबी है, डीबी मेरे पास आ गया बी टू बी, यानी कि टी बी या बी टू बी बोल दीजिए, टी इंटू बी, समझ में आ गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद देखिएगा मैं सब क्या कर रहा है, अब तो बस मेरे को वही लगा रहा है अपना 10-30 डिग्री और 10-60 डिग्री लगा रहा है निकाल। तो हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल एबीडी तो इसमें स्टार्ट बड़े वाले से भी कर सकते हैं ना, मर्जी है किसी से भी कर। इन ट्राइंगल एबीडी जो हाइट है ना टावर की वो देनी रखती है उसको एच मान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन ट्राइंगल एबीडी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ab अपॉन bd, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ab अपॉन bd। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 और ab क्या है हाइट ऑफ द टावर यानी कि h, और ये जो db है ये कितना है, db हमने निकाला था td। तो यहां से मैं h की वैल्यू निकालूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ए बी डी ट्राइंगल में और ए बी सी ट्राइंगल में कॉमन जो चीज आ रही है वो ये एच ही है। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 3 टी बी, जिसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यस सर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब मैं कहूंगा बड़ा वाला ट्राइंगल रूट ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में टैन 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू एबी अपॉन बीसी। अब टैन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ये भी है हाइट ऑफ द टावर एच अपॉन ये जो बीसी है, ये क्या हो जाएगा सीडी प्लस बीडी, और इसमें से वी कॉमन आ गया तो ये बन गया 6 + t अपॉन में रूट 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 से भी मैंने h की वैल्यू निकाली और इक्वेशन नंबर 4 में भी मैंने h की वैल्यू निकाली, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट 3 और 4 को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा v इंटू 6 + t। सर इसमें अगर h की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 से सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, बता सकता हूं कर सकते हैं, ठीक है। v into 6 + t upon root 3 is equal to root 3 3d, इसे भी कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर ले जाइए 6 + t is equal to root 3 into root 3 क्या हो जाएगा 3, तो 3d हो गया, इसको इधर ले जाओ 3 - 3d, 6 को उधर ले जाओ -6 -2d
कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, उसको 3 सेकंड लगेंगे। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, मैंने ऑल इन वन मंगवाई है साइंस की, उसमें से मैं आपको करवाता हूँ सीरीज और पैरेलल के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं। पेज नंबर 374। एग्जांपल नंबर 1। सीरीज का अलग क्वेश्चन आ जाए, पैरेलल का अलग क्वेश्चन आ जाए, वो कर सकते हो, लेकिन सीरीज और पैरेलल जब मिक्स आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो हाँ, सीरीज और पैरेलल जब मिक्स आ जाता है कि एक ही सर्किट में सीरीज सर्किट भी है, सीरीज रेसिस्टर्स भी है और पैरेलल भी है, तब क्या करना है वो देखना है। बेटा नोट कर लिया हो तो मिटा दूं ये वाला क्वेश्चन, ये मिटा दूं अगर कर लिया है तो। आपने से किसी के भी पास, मैंने शायद कभी कभी बोला था, आपने से किसी के भी पास अगर नाइन्थ की बुक्स हो ना तो वो मेरे को दे देना, अगर किसी के काम की ना हो तो। ठीक है, मैं एक साल बाद लौटा दूंगा, नाइन्थ की बुक्स चाहिए। हाँ, नहीं मतलब काम आए, किसी के छोटा भाई बहन हो, किसी को दे दी, इस वजह से। तो अगर इमिजिएटली किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है तो मेरे को एक साल के लिए चाहिए बस, नाइन्थ की। बस कई साल ऐसे ही निकल जाता है जैसे कोरोना का टाइम। सर मई में पीक जाएगा, कोई बात नहीं, आप लोग तो पावरफुल हो ही, पेपर बन गया वरना आपके देश के। देखिए ना, सर आपने तो कहा था स्कूल बंद हो गया, वो आया था सर, स्कूल हमारे सर आ गए रखे सर, पेपर ले रहे हैं। कुछ लिखा हुआ आया नहीं था ऐसा, सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस पर देखते हैं न्यूमेरिकल। अब इसमें ना हमें एक चीज ये ध्यान रखनी होती है कि अगर हम सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं तो सीरीज में करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होती है, और अगर पैरेलल की बात करते हैं तो उसमें वोल्टेज सेम रहता है और करंट डिवाइड होता है। सीरीज कनेक्शन current remains same and voltage divides, current remains same and voltage divides, aur dusra
in parallel connection ठीक इसका उल्टा होता है वोल्टेज रिमेन सेम एंड करंट डिवाइड अब हम ये कहेंगे रेसिस्टर्स अगर सीरीज में होते हैं तो रेसिस्टर्स सीरीज अगर रेसिस्टर सीरीज में होते हैं इस तरह से आर वन आर टू आर थ्री और मान लो कि इधर एक बैटरी लगी हुई है ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी लगी हुई है तो इस पूरे के पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर निकालना हो वो कैसे निकलेगा R1 R2 R3 ये तो होगा रेसिस्टर से सीरीज उसके बाद रेसिस्टर्स इन पैरेलल ये अगर पैरेलल में कनेक्टेड है रेसिस्टेंसेस तो क्या होगा एक रेसिस्टेंस ऐसे ऐसे ये होता है ठीक है अब देखिएगा पेज नंबर 374 अगर ऑल इन वन है आपके पास तो ठीक है अगर नहीं है तो मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ उनका गिवन फिगर R1 इज इक्वल टू 5 ओम उनका गिवन फिगर R1 इज इक्वल टू 5 ओम R2 इज इक्वल टू 10 ओम R1 is equal to 5 ohm, R2 is equal to 10 ohm, for the R3 is equal to 15 ohm. R3 is equal to 15 ohm, for the R4 is equal to 20 ohm. R4 is equal to 20 ohm, R5 is equal to 25 ohm. R5 is equal to 25 volt and a 15 volt battery and a 15 volt battery is connected to the arrangement and a 15 volt battery अगर voltage divide होता है तो फिर इसका voltage 5 है मतलब 5 volt है तुम्हारा बोलो अगर कहाँ पर सीरीज है और कहाँ पर पैरेलल है फिर देख लेंगे कि कहाँ वोल्टेज डिवाइड हो रहा है और कहाँ करंट सर मेन दिक्कत सर क्वेश्चन में वोल्टेज वाले पार्ट नहीं आते
आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट सेकंड पार्ट में है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, अब डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम क्या दे रखा है, इधर तो बैटरी दे रखी है 15 वोल्ट की, 15 वोल्ट की बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस इधर है R2, R1 R2 इधर ये ब्रैकेट लगाकर जो बीच में डॉट लगा देते हैं ना, इसको स्विच बोलते हैं, ये स्विच है और इधर रेजिस्टेंस दे रखे हैं R3 R4 R3 R4 और R5 और यहां एक मीटर लगा हुआ है, इधर करंट आ रहा है ऐसे आई। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको देखकर कंफ्यूजन होगा। पहली चीज तो ये है कि जो ये बैटरी दे रखी है, इस बैटरी में 1 2 3 4 4 सेल दे रखे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार ऐसा है कि कई बार वो क्वेश्चन में ये बोल देते हैं कि अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ 4 सेल्स, अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ 4 सेल्स, ईच सेल इज ऑफ 15 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो जब 4 सेल है उसमें बैटरी में, तो मैं 15 4 60 कर दूंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दे रखा। इसका मतलब इस पूरी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज 15 वोल्ट है। उसके बाद ये जो स्विच है, इस स्विच से भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, स्विच तो ऑन ऑफ के लिए, कि सर्किट को ऑन या ऑफ करना है, उसके लिए एमीटर सर्किट के थ्रू करंट मेजर करने के लिए। तो पहला काम ये है कि वो पूछ रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस बताना मेरे को इस सर्किट का, मुझे दिखाई दे रहा है R1 और R2 आपस में पैरेलल में, ठीक है, और R3 R4 R5 ये पैरेलल में है, ठीक है, तो हम सबसे पहले ये कहेंगे क्लियरली R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। सर ये हमने वोल्ट वाला बताया था ना, वो दोबारा बता दो, कौन सा वाला, ये जो 15 वोल्ट वाला बताया था, मल्टीप्लाई करना था। देखो कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल ये बड़ा वाला होता है और नेगेटिव टर्मिनल ये छोटा वाला होता है, तो कितने पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव 1, पॉजिटिव नेगेटिव 2, पॉजिटिव नेगेटिव 3, पॉजिटिव नेगेटिव 4, तो टोटल 4 इसके अंदर सेल्स है, बहुत सारे सेल्स से मिलकर एक पूरी बैटरी बनती है। अगर वो बोल देंगे अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ 4 सेल्स एंड ईच सेल इज ऑफ 15 वोल्ट, तो पूरी बैटरी का आप वोल्टेज कैसे निकालेंगे, 15 × 4 वोल्ट, है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, इन्होंने बोला 15 वोल्ट बैटरी। 15 वोल्ट बैटरी का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी बैटरी है, इस पूरी बैटरी का ही पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, चलिए जी। अच्छा बुक में 3 सेल्स दे रखे हैं, वो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इस पूरी में 3 हो 4 हो 10 हो कितने भी हो, पर पूरी बैटरी जो है, पूरी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट दे रखा है, तो उससे कुछ लेना देना इसका है नहीं, इसका तो पूरे का 15 वोल्ट है। अब ये कहेंगे R1 और R2 आर इन पैरेलल, देयरफॉर
अपॉन आर वन टू। आर वन टू किसको बोल रहा हूँ मैं, वन और टू के कॉम्बिनेशन से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ आर वन टू। वन अपॉन आर वन टू इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। वन अपॉन आर वन टू इक्वल टू वन अपॉन आर वन कितना बेटा फाइव और आर टू टेन। वन अपॉन फाइव प्लस वन अपॉन टेन, फाइव और टेन का एलसीएम क्या हो गया टेन, फाइव टू जा टेन टू वन जा टू, टेन वन जा टेन और वन वन जा वन। वन अपॉन आर वन टू इज इक्वल टू थ्री अपॉन टेन, तो इसका मतलब आर वन टू कितना हो गया थ्री पॉइंट टू, टेन अपॉन थ्री ओम। अभी मत करो क्योंकि उन्होंने अलग अलग नहीं पूछा, उन्होंने तो ये कहा है कि पूरे सर्किट का आप रेसिस्टेंस बताइए। तो आपने देखिए आर वन और आर टू पैरेलल में और आर थ्री आर फोर आर फाइव पैरेलल में है, R3, R4 and R5 are in parallel, R3, R4 और R5 parallel में, तो therefore one upon R3, 4, 5 इन तीनों के combination से जो बना equivalent resistance उसको 3, 4, 5 बोलते हैं, ठीक है? One upon R3, 4, 5 is equal to one upon R3 plus one upon R4 प्लस वन अपॉन आर फाइव। वन अपॉन आर थ्री फोर फाइव इज इक्वल टू वन अपॉन, अब वैल्यू देखिएगा आर थ्री की वैल्यू है 15, आर फोर की 20 और 25। वन अपॉन 15, वन अपॉन 20 और वन अपॉन 25। वन अपॉन आर थ्री फोर फाइव इज इक्वल टू 15, 20 और 25 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 100। बोला ये हो गया 300, तो 15 और 25 12 जा 300 तो 12 बन जा 20। वन अपॉन आर थ्री फोर फाइव इज इक्वल टू 20 प्लस 15 हो गया 35, 35 प्लस 12 कितना हो गया 47 अपॉन 300, यानी कि R 3 4 5 इज इक्वल टू 300 अपॉन 47 ओम, कितना हो गया। उसके बाद देखिएगा कि अब जो हमारा सर्किट है वो कैसे बनेगा, देखिएगा इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बन जाएगा कि इधर हमारे पास 15 वोल्ट की बैटरी, ये आर वन और आर टू का जो रेजिस्टेंस है वो ये बन गया आर वन टू, इधर एक स्विच लगा दीजिए आर थ्री आर फोर आर फाइव का रेजिस्टेंस क्या बन गया आर थ्री फोर फाइव, और इधर के एमिटर नहीं। तो देखिए एक चीज देखनी होती है, सीरीज में जरूरी नहीं है कि आपको वो एक लाइन में बने हुए दिखाई दे। आप ये देखिएगा कि जो बैटरी होती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने स्टार्ट करा तो आर वन टू आया रास्ते में, फिर आर थ्री फोर फाइव आया रास्ते में, और फिर हम नेगेटिव टर्मिनल पर आ गए। तो इससे क्या समझ में आता है, ये दोनों के दोनों सीरीज में, ठीक है, ये एक वायर है स्ट्रेट और उसी वायर पर दोनों के दोनों आ रहे हैं। मन में ये आ सकता है कि ये ऐसे है और ये ऐसे, ऐसा लग रहा है जैसे कि पैरेलल में हो, ऐसा नहीं होता। पैरेलल के लिए ये देखना होता है कि किसी भी रेसिस्टेंस का अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है तब हम बोलते हैं कि वो पैरेलल में। आप देखो आर वन का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, समझ गए, आर टू का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इसका भी एंडिंग पॉइंट ये है, तो दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो इस वजह से ये दोनों के दोनों पैरेलल में हो गए, समझ गए।
ठीक है, फिर देखिए और ये 15 वोल्ट है, तो 15 वोल्ट से मैं या तो R1 की तरफ से ऐसे जाकर सर्किट कंप्लीट करूंगा या R2 की तरफ जाकर करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पॉजिटिव से निकल के और नेगेटिव तक आऊं और R1 और R2 दोनों पड़ जाए रास्ते, ऐसा नहीं होगा, समझ गए? तो इसका मतलब R1 और R2 दोनों के दोनों हमारे पैरेलल में, तो पैरेलल को देखने का तरीका यही होता है कि अगर दोनों रेजिस्टेंसेस का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको सेम नजर आता है देन वो पैरेलल में है, नहीं तो वो सीरीज में है। तो ये समझ में आ गया R12 और R34.5 ये सीरीज में जो है यहाँ से चलकर और यहाँ तक आ रहे हैं, तो एक ही सेम स्ट्रेट वायर पर लाई कर रहे हैं दोनों के, समझ गए? बताइए क्लियर है बेटा? ठीक है अंश, अर्पिता, अवंतिका, देवशी, श्रीजा, ठीक है? चलिए जी अब जरा देखते हैं ये दो रेजिस्टेंसेस अब सीरीज में क्लियरली R12 एंड R34.5 आर इन सीरीज नाउ, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दोनों को ऐड कर दीजिए, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? और देखो कभी भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का आता है ना जहां पर आपको दिखाई दे कि वैल्यू आपकी पॉइंट्स में आ रही है, तो ये मत करना कि पहले वाले को अलग डिवाइड कर रहे हो दूसरे वाले को अलग डिवाइड कर रहे हो, उससे अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा गलती होने के चांसेस होते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये टेलीफॉर्म 3 है उसको टेलीफॉर्म 3 रहने दो, उसको 1.33 करने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, 3.33 करने की अभी जरूरत नहीं है, ऐसे किसको भी अभी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पहले दोनों को ऐड कर दो, आर इज इक्वल टू हो गया टेलीफॉर्म 3 प्लस 300/47, 3 और 47 का एलसीएम तो आता नहीं है, तो क्या करिएगा मल्टीप्लाई करिए 1370 फिर आप देखिएगा कि 141 के टेबल में 141 आना चाहिए, अब ये 137 तो उससे छोटा है, तो फिर 1370 शायद 9 से डिवाइड करें, 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 से करेंगे तो 9 4 36 आ गया 9 और 3 1369 आ रहा है, समझ गए या गलत है कुछ? सही है ना, 1369 आ रहा है, तो रिमाइंडर 1 ही बचा, हमारे पास हो गया 9.71 ओम्स। अच्छा अब ये बोल रहे हैं हमसे कि आप इसका सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा कि आप इसका टोटल करंट बताइए सर्किट में, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ये आ गया, सर्किट का टोटल वोल्टेज ही आ गया, करंट भी निकाला जा सकता है एज पर ओम्स लॉ
आई इज इक्वल टू क्या हो गया बी अपॉन आर और बी कितना है 15 और आर कितना है 9.71 कर लो इसको डिवाइड देख लेना कितना आ रहा है बताइए जी क्लियर है सभी को ये डिवाइड करके आ रहा बेटा 1.54 एम्पीयर अच्छा जी अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 13 डिवाइड करके फटाफट से कर देना चलो जी उसके बाद जो है एग्जांपल नंबर 13 है कंसीडर द सर्किट डायग्राम इज गिवन बिलो कंसीडर द सर्किट डायग्राम Consider the circuit diagram as given below. R5 3 ohm R4 है 3 ohm R2 है 3 ohm R1 भी 3 ohm है इधर एक एमीटर और एक स्विच दोनों लगे हुए हैं इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू R5 इज इक्वल टू 3 ohm देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड Find the equivalent resistance of the circuit. Find the equivalent resistance of the circuit. ठीक है अब जरा देखिएगा इसी वजह से इसमें बैटरी की वैल्यू नहीं दे रखी क्योंकि बैटरी से कोई लेना देना नहीं है ठीक है तो अब आप ये देखो R4 और R3 पैरेलल में सही सोच रहे हो आप लेकिन एक चीज है ये जो R4 है इसका आप समझिए कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये जो
एंडिंग पॉइंट है, इसका एंडिंग पॉइंट ये है। इसी तरह से R3 प्लस R2, ये R3 और R2 तो बैक टू बैक कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज में होगा, इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो R4 के साथ पैरेलल है, वो R4 के साथ पैरेलल है, समझे कि नहीं? दोबारा सुनिएगा, जब हम ये कहते हैं रेजिस्टेंसेस R3 और R2 का एंडिंग पॉइंट, इसके R3 और R2 का एंडिंग पॉइंट तो सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट तो अलग है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है ना? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होने चाहिए। आप ये देखिए R3 और R2 साफ समझ में आता है कि यहाँ से अगर स्टार्ट करो तो एक सीरीज में मतलब बैक टू बैक कनेक्टेड है, ठीक है, एक के पीछे एक कनेक्टेड है, तो ये दोनों तो हो गए सीरीज में। और उसके बाद पहले ना हम एक एक करके इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे इसका, तब ज्यादा क्लियर होगी चीज, देखिएगा। ऐसे R4 के इधर पैटर्न में, हाँ, तो फिर वो तीनों पैटर्न हो जाते, उन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट इसके पैरेलल में होता है ना? मिलाकर R3 और R4 नहीं, R3 प्लस R2, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन R4 के साथ कर देते हैं। सर ऐसे R5 और R3 भी तो सेम है, ऐसे ही R5 और R3 भी अगर दोनों को ऐड करते तो ही, अगर आप ये लेके अगर ये बीच में ये डिवाइड ना हो रहा होता, अगर ये ना होता बीच में, तो फिर R5, R3, R2, R1 ये चारों के चारों सीरीज में हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि बीच में ये आ गया रेसिस्टेंस, तो पहले इसका इलाज करना पड़ेगा, ये समझे? अब आप ये देखो बीच में R4 आ गया, बीच में R4 आ गया, लेकिन तो R5, R3, R2 और R1 चारों के चारों सीरीज में एक के पीछे एक, ठीक है, एक जगह से स्टार्ट करते हैं तो सारे लाइन में एक ही वायर में आते चले जाते हैं। तो एक ही वायर में कौन सा है बताए, इसका कौन सा? एट ओम, एट ओम, ये जवाब जल्दी में लगा तुमने, देखो हम ये कहेंगे हियर आर टू एंड आर थ्री आर एन, आर टू एंड आर थ्री आर एन सीरीज, दोनों के दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आप बोल दीजिए आर टू थ्री, R2 plus R3 यानी कि 3 plus 3 मतलब 6 ohm, 6 ohm हो गया, equivalent diagram, इसका equivalent circuit diagram बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इधर मीटर है, इधर स्विच है, इधर बैटरी है, R5 हो गया 3 ओम, फिर देखिएगा R1, R4 और इन दोनों की जगह क्या आ गया? एक सिंगल रेजिस्टेंस आ गया, इसको क्या बोलेंगे? R23। अब क्या समझ में आता है? अब ये समझ में आता है, देखिए इन दोनों की जगह अब एक सिंगल रेजिस्टेंस आ गया R23। तो अब आप साफ समझ सकते होंगे कि R4 का स्टार्टिंग पॉइंट और R23 का स्टार्टिंग पॉइंट सेम, R4 का एंडिंग पॉइंट और R23 का एंडिंग पॉइंट ये दोनों सेम, इसका मतलब R4 और R23 आर इन पैरेलल नाउ। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, R4 एंड R23 पैरेलल में हो गए, समझ गए? Yes, sir. Yes. सर एक डाउट है सर, R1 को ऐड नहीं कर सकते थे? R1 को किसपे? सर R23 के साथ, R23 के साथ R1 को ऐड कर देते अगर ये बीच में ये वायर ना जुड़ी हुई होती तो, ठीक है, क्योंकि बीच में ये जुड़ा हुआ है तो पहले इसका इलाज करा जाएगा, पहले इसका करा जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, समझ गए? ओके सर, ठीक है जी। सर सीरीज में आर फाइव पर आर वन को जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, वही तो उन्होंने पूछा ना, आर वन और आर फाइव को तभी तो जोड़ेंगे जब ये बीच का पूरा पाथ क्लियर हो। यस, तो पहले बीच के पाथ को तो क्लियर करो, ठीक है,
now R4 and R2 3 are in parallel. R4 and R2 3 are in parallel. ये हो जाएगा 1 upon R2 3 4 is equal to 1 upon R2 3 upon 1 upon R4 so 1 upon R2 3 is there R2 3 आता है मतलब 6 और R4 है 3 so 3 और 6 का LCM हो गया 6 6 और 6 ऊपर 1 3 2 जा 2 तो ये 3 upon 6 यानी कि 3 बंदर 3 2 जा 1 upon 2 तो R 2 3 4 is equal to आ गया 2 अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा सर एग्जाम में भी सर्किट डायग्राम बना के दिखा लेंगे बना कर दिखा लेंगे बिल्कुल ये आपका ही हो गया अब इन दोनों की जगह क्या लिख दोगे आर टू थ्री फोर आर टू थ्री फोर इधर वही एमीटर इधर वही स्विच इधर आर वन और अब आप क्या समझ पा रहे हैं कि अब ये तीनों के तीनों आर फाइव आर टू थ्री फोर और आर वन अब तीनों के तीनों सीरीज में क्योंकि अब बीच में कोई अड़चन नहीं है है ना बीच में कोई वायर नहीं अटक रहा है Now, R1, R2, R4 and R5 are in series. Therefore, R is equal to R1 plus R2, R4 plus R5. इनको ऐड करो. R1 कितना है? 3. R2, R4 कितना है? 2. और R5 कितना है? 3. ये आ गया 8. बताइए बेटा समझ गए और आप अगर इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे तो इन्होंने भी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाकर दिखाया है तभी चीजें थोड़ा ज्यादा क्लियर होती है आगे के क्वेश्चंस भी मैं इसमें और करवाऊंगा कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस भी करवाऊंगा लास्ट ईयर के वो करवाते हैं शाम को आज शाम को करेंगे इसको आप थैंक यू सर ओके थैंक यू सर ओके